यूपी के हमीरपुर जनपद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बताते चले कि 21 किलो गांजे के साथ पुलिस ने दो मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर पुलिस को गांजा बिक्री की सूचनाएं मिल रही थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेजी दिखाई और फरहान तथा प्रवीण नाम के दो अभियुक्तों को 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों पर पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज करा है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले का खुलासा किया है। आज जनपद हमीरपुर में थाना मौदहा के अंतर्गत दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 21 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये दोनों व्यक्ति छत्तीसगढ़ से ये गांजा लेकर ट्रेन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आते थे और आसपास के इलाकों में ये सप्लाई करते थे। इसमें इनसे पूछताछ में ये भी निकल कर आया है कि कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो इनके साथ ये काम करते हैं। उन व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए, गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें आगे कार्रवाई करते हुए इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। जिस टीम ने पकड़ा है, ये थाने की टीम ने पकड़ा है, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, तो अवश्य इनके प्रोत्साहन हेतु कुछ जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा।